सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है कमल जियाल और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का देवभूमि हिमाचल के इन खूबसूरत वादियों में। तो गाइस, आज हमारा क्याणी में दूसरा दिन है। तो आज के इस ब्लॉग में हम आपको नागदेव मंदिर, जो कि क्याणी के निचली तरफ पड़ता है, आज उसके दर्शन करवाएंगे। तो बने रहिए आप मेरी इस वीडियो में। तो हम करवाते हैं आपको नागदेव मंदिर के दर्शन। गाइस, अभी जा रहे हैं हम नागदेव मंदिर में, साथ में मेरा भांजा और एक सिस्टर भी है, उसे भी आगे दिखाता हूँ मैं आपको। साल की गेहूं की फसल काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हो पीछे काफ़ी हरे भरे खेत हैं, कितने बड़े बड़े हैं आप देख सकते हो पीछे। ये देखिए आप मेरे पीछे, भांजा भी चला हुआ है साथ में, आज तो पता ही खुश दिल है। तो आइए देखते हैं क्या बनता है आज के ब्लॉग। हम चल ही रहे हैं मंदिर में, आप बने रहे वीडियो में, हम दिखाते हैं आपको आज नागदेव का मंदिर। पीछे ये रही नागरावी नदी। कितना खूबसूरत नजारा है देखिए आसपास का। तो ये है मेरे साथ में मेरा भांजा और ये है मेरी सिस्टर। तो आपको हम दिखाएंगे नागदेव मंदिर, तो बने रहिए मेरी इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं। अभी हम आ गए हैं नागदेव मंदिर क्याणी में, तो अभी हम आपको नागदेव जी के दर्शन करवाते हैं। ये शेषनाग का मंदिर है, बहुत ही पुराना है, साक्षात भगवान शेषनाग यहाँ पर विराजमान है। तो आइए करते हैं नागदेव के दर्शन। गाइस, ये है नागदेव तक की सभी पिंडियाँ, आप ये देख ही सकते हो। ये अशर्फियाँ भी हैं, अशर्फियाँ और ये पिंडियाँ भी हैं, आप देख लो। ये रही, ये जितने भी आप पत्थर देख रहे हो, ये पत्थर नहीं भगवान की मूर्त है देखिए। और ये रहा पीछे क्याणी ब्लेज,
गेहूँ की फसल भी काफ़ी अच्छी उगाई है क्याणी वालों ने। ये रहा नागदेव का मंदिर। गाइस अगर हम मंदिर के आसपास की बात करें तो एक तरफ तो नदी है, दूसरी तरफ लोगों के खेत हैं, तो यहाँ पर एक फनियारा भी है, पानी का नलका लगाया हुआ है। ये देखिए आप मेरे साथ, ये रहा पानी का नलका और दूसरी तरफ है नदी। मैं आपको नदी भी दिखा चुका हूँ। तो अब चलते हैं घर की तरफ, क्वार्टर में अपने। ये नागदेव मंदिर के साथ ही एक पीपल का वृक्ष है। गाइस ये आप जो मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये रावी नदी जो बड़ा भंगाल से निकलती है, चंबा की ये काफ़ी बड़ी नदी है। तो ये देखिए कितना इसका अच्छा पानी लग रहा है। ये रही मेरे पीछे, ये मेरा भांजा सिस्टर को कुछ बातें सिखा रहा है, बता रहा है कुछ, लेकिन हमें नहीं बता रहा है कि क्या बता रहे हैं ये। तो गाइस आज के ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू, मिलता हूँ मैं आपको अगले ब्लॉग में।